नमस्कार दोस्तों, आर्यश डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। लंबाई इसकी 14 इंच रखेंगे, तो 1 इंच हमने ज़्यादा लिया है। पूरी लंबाई 15 इंच ली है। शोल्डर 5.5 इंच लिया है। आर्म होल 6.25 इंच, 1.5 इंच पर इसकी गुलाई दे दी है। अब गले की कटिंग कर लेना है। गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे। साढ़े 10 इंच पर इस तरह निशान बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, आधा इंच बढ़ाया है। यहाँ पर इसकी पूरी चौड़ाई 3.5 इंच है। अब ये निशान दूसरी साइड भी लाना है। अब देखिए, इस पर सिलाई लगाना है। ब्लाउज की सीधी, कपड़े की सीधी साइड में इस तरह से अस्तर को रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह की सिलाई लगा दी है। अब इसे कट कर लेना है। उसके बाद देखिए, इस पर कट लगा लेना है। इसको इस तरह से पलट कर सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अच्छे से बनाते हुए गले पर सिलाई लगाना है। दूसरा पार्ट इसका जो है, इस पर भी लगा लेना है। अब देखिए, इस पर लेस लगाना है। तो इस तरह देखिए, इसको लगा दिया है। अब एक बार और लगा लेना है।
तो इस तरह देखिए लेस लगा दिया है। दूसरी साइड जो इसका दूसरा पार्ट है उस पर भी इसी तरह से लगा लेना है। तो देखिए दूसरी साइड भी लेस को लगा दिया है। अच्छे से मिलाकर इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आधा इंच लगा दिया था, तो उतनी ही पट्टी लगानी है, कमियाँ ज़्यादा नहीं करना है। तो इस तरह देखिए इस पर लगा दिया है। अब देखिए 3 इंच का चकोर कपड़ा लेंगे और इस तरह से डिजाइनें बना लेनी है। इसी तरह से साड़ी बना लेनी है। तो देखिए हमने बनाकर तैयार कर ली है। अब देखिए इसको लगाना है। तो देखिए इसे हाथों से सिलाई लगाते हुए सेट करेंगे। तो इसी तरह से देखिए इसको एक एक डिजाइन को अच्छे से बनाते हुए लगा लेना है। तो इस तरह देखिए इसको अच्छे से बनाकर लगा दिया है। अब देखिए एक बार और लगाना है इस पर। अब यहाँ पर एक और लगाना है। तो इस तरह देखिए इसे अच्छे से लगा दिया है। अब देखिए यहाँ पर एक बटन लगा देंगे इस तरह से। बटन को अच्छे से लगा दिया है। अब ये डिजाइन बनके तैयार है। गले पर डोरी लगा देंगे। तो अगर डिजाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए डिजाइन के साथ। धन्यवाद।